हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। कोविड-19 के तहत आप लोग घर में ही रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। आपकी पढ़ाई के लिए मैंने मैथ्स के वीडियो तैयार किए। अभी हम जनरल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, ठीक है, जिनको बच्चों को याद रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, आज पहला वीडियो अपना ये, ठीक है, इसके मैंने नोट्स दे दिए। जब भी मैं पढ़ाऊँ नोट्स आप सामने रखें, क्योंकि आपने उतार लिए हुए, उनको सामने रखें और देखते जाएं क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही है। ध्यान से देखेंगे तो ही हम आगे और वीडियोस आपको भेजेंगे, ठीक है। पहला मैंने बताया, आज शुरू कर रहे हैं नंबर्स, संख्याएं शुरू कर रहे हैं, जो गणित मैथ्स की जान है। उसके बिगैर तो कुछ है ही नहीं, संख्याओं का खेल है सारा का सारा, ठीक है। पहला टॉपिक नंबर्स, संख्याएं। अब संख्याओं में सबसे पहले कौन सी आती है? प्राकृत संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। दोनों मीडियम को एक ही साथ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखें। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या होती है प्राकृत संख्या? वो संख्या है जो एक से प्रारंभ हो। कहाँ से प्रारंभ हो? एक से प्रारंभ हो और कहाँ आगे चलती जाए, चलती जाए, चलती जाए, चलती जाए, कहाँ तक? अनंत तक। अनंत कौन सा स्थान है? जहां तक गिनती चलती, जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, जहां अंत नहीं होता किसी चीज का, ठीक है। एक दो तीन चार, एक एक जोड़ते जाओ और आगे की संख्या मिलती जाएगी, उनको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। एक और परिभाषा है इंग्लिश में, क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। Those number which are starting from one, एक से शुरू, one से, और goes up to infinite, और infinite तक जाए। Infinite वो place है जहाँ गिनती खत्म होती है, counting खत्म होती है, और counting कभी खत्म नहीं होती। एक एक जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, आपने बहुत बड़ी संख्या बताई, उसमें एक जोड़ दो तो आगे और संख्या बनती चली जाएगी, ठीक है। तो वन से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट, अनंत तक जाते हैं। एक और परिभाषा है प्राकृत संख्या की, वह संख्या जो गिनने में काम में है। जैसे आपको मैंने कहा कि एक फलों की टोकरी है, आम की टोकरी है। अब आम गिनो, आप तो क्या देखोगे? एक दो तीन चार पाँच, ऐसे गिनोगे? मैं बोलूँ एक क्लास है, क्लासरूम है, उसमें स्टूडेंट्स बैठे हैं, काउंट देम, उनको काउंट करो, गिनो, तो आप क्या देखोगे? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कैसे गिनते? 0 5 4, ऐसे थोड़े नहीं गिनते, जीरो से शुरू थोड़े नहीं करते। कैसे गिनते हो? 10 20 30, नहीं, कैसे गिनते हो? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो उन्हीं संख्याओं को क्या बोलते हैं जो गिनने में काम है किसी भी वस्तु व्यक्ति को, उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं, ठीक है। प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय बनता है, सेट बनता है, मंजरी कोष्टक मीडियम ब्रैकेट्स में बनता है, फ्लावर ब्रेसेस में, और किससे लिखते हैं? किससे व्यक्त करते हैं? एन से, नेचुरल नंबर का एन लिखते हैं, ठीक है। अगली बात समझे, अगर आप इससे मैं दो सवाल पूछूं, ध्यान से सुने, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटा नेचुरल नंबर, ठीक है, और सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा, तो आप क्या बोलोगे? बता ही नहीं सकते, उसे क्या बोलोगे? अनंत, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का चिन्ह भी बना रखा मैंने, आप देखना उसके अंदर ऐसे, ठीक है। अगला है पूर्ण संख्या। क्या? कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। देखो क्या परिभाषा पूर्ण संख्याओं की, अगर प्राकृत संख्याओं के अंदर, समुच्चय के अंदर, अगर शून्य और मिला दिया जाए, देखो ये और मैं आगे जोड़ दूं, तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। होल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? व्हेन वी ऐड जीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सेट में क्या जोड़ दूं मैं? जीरो, तो हमें क्या बन जाता है? मिल जाता है होल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, होल नंबर के जो सेट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। हमेशा ऐसा हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, किसी भी रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू से, किससे व्यक्त करेंगे? पूर्ण संख्या में समुच्चय को, डब्ल्यू से। अब वही दो सवाल, सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सी होगी? होल नंबर, जीरो। स्मॉलेस्ट होल नंबर, जीरो। बिगेस्ट, वही इनफाइनाइट। सबसे बड़ा, अनंत। सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा? अनंत, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो प्राकृत संख्या हो चाहे पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर या होल नंबर, इनके क्रमागत पदों का अंतर, कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, ये माइनस की, ये माइनस, एक एक का है, 5 बजे 4 जाएगा 1, 4 बजे 3 जाएगा 1, एक एक का अंतर है, एक एक जोड़ जोड़ के आ जाते हैं, ये भी विशेष बात है। अगला है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स या पूर्णांक संख्या, इसको किससे व्यक्त करते हैं? आई से। क्या परिभाषा होती है पूर्णांक संख्या के? यदि पूर्ण संख्या में उनकी ऋण संख्या मिला दी जाए, एक बात विशेष ध्यान रखना, जीरो ना धनात्मक होता ना ऋणात्मक होता। आप ये एक धनात्मक हो गया और माइनस एक, उसी की क्या हो गई? ऋणात्मक। दो धनात्मक, ये ऋणात्मक, लेकिन आप सोचो जीरो और जीरो, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, नहीं, ये कुछ नहीं, जीरो ना
धनात्मक होता ना ऋणात्मक होता। ठीक है, तो मैंने आपको बोला अगर पूर्ण संख्याओं में उनकी ऋण संख्या, तो इनकी ऋण संख्या कौन सी होगी, पीछे से यहाँ से जीरो जो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलता जाएगा। अगर इधर जोड़ दी जाए तो किसका समुच्चय बन जाता है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, when we add negative numbers in the set of whole number, अगर whole number के set में उनके negative add कर दिए जाएं, यानी zero का negative तो होता नहीं, इनके सबके negative add करो, अब ये four आगे तक जा रही है तो इधर भी आगे तक जा रहा है, आगे बस में इसके set को किससे add करते हैं, समुच्चयों किससे करते हैं, ऐसे। अब integer पूर्णांक संख्या तीन प्रकार के, three types के integer हो गए, ठीक है। सबसे पहले तो शून्य, जीरो, जीरो के सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की साइड, राइट हैंड में कौन सी होती है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। और उल्टे हाथ की ओर कौन से होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से होते हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर, उल्टे हाथ पे कौन से होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब इसके सेट को कैसे लिखेंगे, आई माइनस, और क्या आ गया इसके अंदर, आई माइनस लगा लिया, -1 -2 -3 -4 माइनस वाले होंगे सर, जीरो नहीं आएगा। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा, किसी व्यक्त करेंगे आई प्लस ऊपर, और क्या आएगा सर, 1 2 3 4 डॉट आ जाता है, आगे नहीं आगे बस समय। एक और चीज होती है, अगर एक जगह और आता आई जीरो, इसका मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को मिलाकर धनात्मक पूर्णांक, उसको आई जीरो से व्यक्त करते, कई बार आता वो एक तरह से क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या, होल नंबर बन जाएगी। ठीक है, आगे यहां तक बात समझ में, दो तीन प्रकार के होते, तो शून्य एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक तीन तरीके से इंटीजर हो गए, जीरो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, आई प्लस से व्यक्त करते हैं इसको, आई माइनस से उसके सेट को आई से, आई जीरो मैंने आपको बता दी विशेष स्थिति। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं, इसमें सबसे छोटी इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे छोटी पूर्णांक, तो देखो मैंने बताया था सबसे छोटी इधर मिलती है, स्मॉलेस्ट इधर मिलता है, अब इधर का मतलब ये थोड़ी नहीं, इधर का मतलब इधर इधर चलो, इधर इधर क्या रहेगा, माइनस एंड प्राइम, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर हो गया, यानी ना तो आप स्मॉलेस्ट वाला बता सकते ना बिगेस्ट बता सकते, ना तो छोटे से छोटा पूर्णांक बता सकते ना बड़े से बड़ा बता सकते, क्योंकि वो माइनस अनंत तो छोटे से छोटा हो गया और प्लस अनंत बड़े से बड़ा हो गया। आगे बात समझ में, आज के लिए इतना ही काफी है, इसको लिखें ध्यान से, लर्न करें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं चेक करता रहूंगा आपके होमवर्क को, मंगवाता रहूंगा। ठीक है।